सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन वंदन और सम्मानित मंच जो यहाँ पर बैठा है उपस्थित है, क्योंकि सभी का नाम लेना थोड़ा कठिन और समय कम दिया जाता है यहाँ पर, तो इसलिए मैं सभी को एक साथ वैसे ही नमन कर देती हूँ, वंदन करती हूँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ सामने बैठे मेरे समाज के सभी मेरे भाई मेरी बहनें और जो युवा यूथ बैठा है, विशेषकर उन लोगों को जो अपने परिवार परिवार के साथ आए हैं, उन सबको मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम और जय संविधान। आज भारतीय संविधान सम्मान दिवस मनाया जा रहा है LDF के तत्वावधान में, और मैं देख रही हूँ काफी लंबे समय से कि डॉक्टर देशराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और लोग तो जाते होंगे शनिवार इतवार, देशराज जी तो प्रतिदिन एक ना एक कहीं ना कहीं मीटिंग, कोई क्रांतिकारी मीटिंग लगाते हैं, जहाँ लोगों के अंदर वो ऐसा जोश भरते हैं जिससे कि लगता है कि अब जरूर क्रांति इस देश में होने वाली है। और वाकई में क्रांति का समय आ गया है, ज्यादा समय दूर नहीं है जब इस देश में बदलाव का जो ये समय है वो हमें देखने को मिलेगा। अब संविधान की बात हुई है, संविधान का मतलब है कि इस देश में लोकतंत्र की सत्ता, लोकतंत्र की सत्ता होना, और लोकतंत्र की जो मेन जिन चीजों की वजह से लोकतंत्र को माना गया है वो है कार्यपालिका, जिसके अंदर सभी संसद, सभी विधायक और सभी आते हैं, और उसके बाद में विधायिका जो कि जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और सभी जितने भी मुख्यमंत्री और MP MLA वगैरह हैं। उसके बाद में न्यायपालिका, जितने भी सारे जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी जितने जिला कोर्ट वगैरह हैं, ये सब मिलकर इस देश के लोकतंत्र को चलाते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, शॉर्टकट में सब बताने की कोशिश करूंगी। अब इनकी ड्यूटी बनती है कि इस देश में हम ऐसी व्यवस्था स्थापित करें कि इस देश में लोकतंत्र एक शांतिपूर्वक माहौल हो और सभी को यहाँ रहने लायक एक स्वर्ग जैसा माहौल बने, एक ऐसा देश बने जहाँ सभी को बराबरी हो, सम्मान हो, भाईचारा हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारे में बस एक बच्ची जो है बड़े ध्यान से सुन रही है, कुछ लोग खाना खाने चले गए, कुछ लोग घूम रहे हैं कि काम जल्दी खत्म हो तो हम बाहर जाए, ये भी बहुत जरूरी है। मुझे पता है देशराज जी का परिवार मेरे परिवार की तरह पूरा का पूरा समाज में योगदान दे रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, इनकी मदद के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए जो ये पिलर्स जिनका नाम मैंने लिया, इनकी मदद के लिए इस देश में जैसे CBI है, FBI है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, सेना है, इनकी मदद से इन्हें लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन क्या आप इस देश में देख पा रहे हैं कि क्या ये सारी चीजें मिलकर इस देश में वो चीज स्थापित कर पा रही है जो होनी चाहिए? संविधान लागू कर रहे हैं क्या ये? ये सब चीजें हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही। हम देख रहे हैं इनकी मदद से, इनका सिर्फ एक ही काम है कि किस प्रकार इस देश का जो 85% जो इस देश का तबका है उसको कैसे दबा कर रखा जाए, उसके अधिकारों को कैसे छीना जाए, कैसे उन्हें इस देश की सत्ता से दूर रखा जाए। पूरा देश बेच दिया इन्होंने, पूरा देश वो बेच दिया, सड़कें बेच दी, इस देश का पानी बेच दिया, बिजली बेच दी, जंगल बेच दिए और जमीनें बेच दी, नदियां बर्बाद कर दी, नदियां सारी बर्बाद कर दी। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब ये काम कैसे कर पा रहे हैं। जो मैंने अभी नाम लिए ये सारे काम इन्हीं सब वजह से, इन्हीं सब की मदद से कर पा रहे हैं, और ये हमारी टॉलरेंस पावर को और समय समय पर चेक करते हैं कि क्या हम लोग जग तो नहीं गए हैं, क्या हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत तो नहीं है, क्या हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इन सब ने जो ये काम किए हैं इन्हें रोकने के लिए कहीं जा तो नहीं गए हैं। ये सारे काम इन लोगों ने हमारी टॉलरेंस पावर को चेक करने के लिए आगे हमें क्या कर रहे हैं। देखिए अभी जैसे भाई कह रहे थे, अभी हमारे जो मलकियत भाई जी भी कह रहे थे, एक बहन भी बोल के गई कि ये सारे हमारे टॉलरेंस पावर चेक करने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पता लगे कि कहीं हम जागे तो नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदें ढा दी जाती हैं लेकिन मुसलमान बोलता नहीं। आज अयोध्या में सारे के सारे RSS के लोग जमा हैं, हम लोग यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन RSS के, विश्व हिंदू परिषद के और ये जो इनका जो विद्यार्थी मोर्चा है उसके सारे लोग, सारे कार्यसेवक, सब सबके सब अयोध्या में जमा हैं।
कहीं आप लोग अपना ये जो संविधान दिवस है वो ज्यादा अच्छी तरह ना मना लो, और इनकी पूरी तैयारी चल रही है। देश पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंगा अवश्य होने वाला है, इस बात के लिए आप लोग सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए। अभी से ही आप लोग सब समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। और अब आगे जो इनकी जो ये सत्ता है, इनकी सरकार है, आपको पता है कि 19 में अब सरकार का बदलने का समय आ चुका है, और इनकी सरकार जाए या ना जाए, आएगी तो फिर वही काम करेंगे। आपको पता है जैसे अभी मेरे भाई सब जितने भी यहाँ पहले आए थे, बहनें आई थी, वो सब बोल चुके हैं कि इनकी सरकार आई तो आप इस संविधान को भूल जाइए और इसका अंतिम संस्कार हमें करना पड़ेगा। मनुस्मृति ये लोग यहाँ पर फिर से लागू कर देंगे। अभी भी मनुस्मृति चल रही है, लेकिन फिर तो ये खुलेआम, जैसे कि वही भाई कह रहे थे कि 8 नवंबर को पिछले वर्ष जब इन्होंने नोटबंदी की थी अचानक से, इसी प्रकार हम सब किसी दिन सुबह सो के जगे और पता लगा कि आज से संविधान इस देश से खत्म कर दिया जाता है और मनुस्मृति लागू कर दी जाती है। ऐसा दिन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसका इंतजाम कि ये आए या ना आए, इन्होंने पहले से ही बहुत अच्छी तरह से कर दिया। बहुत डरपोक लोग हैं ये, ऐसी बात नहीं है कि ये लोग बहुत ही बहुत शक्तिशाली या बहुत ज्यादा ऐसे ऊंचे मनोबल के लोग, बहुत ही डरपोक लोग हैं। इन्होंने अभी राष्ट्रपति से लेकर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर ग्राम पंचायत तक, IIT IIM से लेकर सरकारी जितने भी स्कूल हैं वहां तक, और जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ से लेकर जो इनके मासिक जो मासिक अखबार होते हैं वहां तक, इन्होंने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि हम आए या ना आए लेकिन सत्ता हमारी ही रहेगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम ना तो ये देश तुम्हारा था ना तुम्हारा है, और ना तुम्हारी जितनी भी तुम आजादी के आंदोलन ये चला रहे हो, ये सारे के सारे जो वो एक पटाखा होता है ना फूस वाला, जिसे तीली लगाते हैं लेकिन वो जलता नहीं है, आवाज भी नहीं होती उसकी, ये उसी प्रकार सारे आंदोलन खत्म हो जाएंगे। इन्होंने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं। इन्हें बार बार जो है ये डर लगा रहता है कि कहीं आप लोग पढ़ लिख ना लो, तो इसलिए ये हमें हर तरीके से डराते रहते हैं। हमें डराते हैं कि कहीं तुम संविधान को ना पढ़ लो, कहीं तुम अपने मौलिक अधिकारों को ना पढ़ लो, कहीं तुम सुविधा संपन्न ना हो जाओ, कहीं तुम नास्तिक ना हो जाओ। इसलिए इन्होंने इस तरह का पूरा जो चक्रव्यूह बनाया है ये डर की वजह से, कि हमें डराए रखे और ये अपना काम करते रहे। हमारे यहाँ पर बाबा साहब आए, हमें संविधान दिया, लेकिन आज भी देश को आजाद हुए 70 वर्ष के बाद भी हम आज भी आजादी के आंदोलन के इसी प्रकार हम आंदोलन कर रहे हैं और चलाते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम इस देश में सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, हमें मुझे नहीं दिख लगता, क्योंकि मैं जिस तरह देख रही हूँ, मैं बहुत कैडर ले रही हूँ जा जाकर, और वो ही जैसे कि आज यहाँ बता रहे थे कि बहन कई बहन ने मिलकर ये स्लम की महिलाओं को लेकर आए हैं। गाँव में तो और भी बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, लोग जानते ही नहीं। उन्हें पूछो कि बुद्ध को जानते हो, नहीं जानते। बाबा साहब को जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हैं। अब जब बाबा साहब को नहीं जानोगे तो तुम कैसे आजाद होगे, कैसे संविधान को जानोगे, कैसे ये काम करोगे बताइए, तो तुम अपने अधिकारों की प्राप्ति कैसे करोगे। बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब हमें वोट का अधिकार दे गए, लेकिन हमें पता भी नहीं था काशी राम जी नहीं आते तो हम यहाँ चुनाव भी नहीं लड़ पाते, ना अपना वोट का अधिकार जान पाते। मैं तो इस समाज से कहती हूँ कि हाँ, बहुजन समाज तू मेरा एक काम कर दे, बहुजन समाज जो यहाँ बैठा है तू मेरा एक काम कर दे ना, पैदा कर सके अम्बेडकर तो हर घर में एक काशी राम पैदा कर दे, एक काशी राम पैदा कर दे, क्योंकि तो काशी राम आएंगे दोबारा से हर घर में तो हम फिर जान पाएंगे कि देश का जो 85% लोग जो है वह जब एक हो जाए, जब वो एक होगा तभी देश में हमारी सत्ता होगी, हम केंद्र में होंगे। हमें बहुसंख्यक को बहुजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बहुजन जब अपने वोट का अधिकार जानेगा, बहुमत में कन्वर्ट होगा, तभी हमारा इस देश में शासक होगा, हमारे न्यायालय होंगे, ये देश हमारा होगा, और तभी हमारा संविधान इस देश में लागू होगा। तो एक पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज भी
हमारा समाज जो है वो सत्ता तक नहीं पहुंच सका, राज हमें प्राप्त नहीं हो सका, उसके क्या कारण है? क्यों? क्योंकि हम लोग डरे हुए रहते हैं, हम डरे रहते हैं हर तरीके से। देखिए कि बुलबुलों के पंजे में बाज नहीं होते, बुलबुलों के पंजे में बाज नहीं होते, और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। हम तो बुजदिल हैं, हम डरते ही नहीं, हम तो धार्मिक रूप से भी इतने डरपोक हैं कि नहीं करेंगे, कोई त्योहार नहीं मनाएंगे या इनके रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानेंगे, तो हमें लगता है जन क्या अनर्थ हो जाएगा।